भोपाल शहर के एक होटल में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को भोपाल पुलिस ने डिंडौरी से पकड़ा है। आरोपी काफी रसूख वाले हैं। आरोपियों में से एक भाजपा का नेता है तो दूसरा जेडीयू का और तीसरा पेट्रोल पंप का संचालक है। मिड अगस्त में एक मुकदमा कायम किया था जिसमें एक 17 साल 8 महीने लगभग की बच्ची है जिसने आगे कंप्लेंट किया था कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसने ये बताया था कि पारुल सीमा और एक सैफ नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने, ये लड़की पारुल से आगरा में मिली थी, वहाँ से उसको भोपाल लाई है और यहाँ पे लाकर उससे गलत काम कराया है। इसी संदर्भ में उसने और तीन व्यक्तियों के बारे में बताया था जिन्होंने टीटी नगर के एक होटल में उसके साथ गलत काम किया था। तो वो होटल से डिटेल्स निकाले गए, इनका पता चला कि ये लोग डिंडोरी के रहने वाले हैं, तो टीम वहाँ पे भेजी गई। टीम ने वहाँ से तीन लोगों को अरेस्ट किया है और टीम रवाना हुई है भोपाल के लिए। इसमें सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है, ये स्टूडेंट हैं या किसी के काम वाम करते हैं? ये तीनों ही आरोपी जो है प्रोफेशनल्स हैं, आई थिंक एक एडवोकेट है और दो बिजनेसमैन है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।